हेलो स्टूडेंट्स, हम रबी की फसलों के रोगों के बारे में पढ़ रहे हैं। ऐसे रोग जो रबी की फसलों में होते हैं उनके बारे में पढ़ रहे हैं। मोस्टली स्टूडेंट्स की एक शिकायत थी कि सर ये रोग हमको याद नहीं होते हैं। तो पहला रोग गेहूं का किट रोग हम पढ़ चुके हैं और आज हम पढ़ेंगे गेहूं का भूरा या पर्ण किट रोग। तो इस रोग को मैंने बहुत ही शॉर्ट वे में आपको समझाने की कोशिश की है। शायद इस वीडियो को देखेंगे आप लोग तो आप इस तरह से प्रिपेयर करने का, इसको लर्न करने का तरीका सीखेंगे। एक भी पॉइंट्स इस रोग के अंदर मैंने छोड़ा नहीं है। आप लोग एक बार देखें कि क्या आपको ये समझ में आता है। रोग है गेहूं का भूरा या पर्ण किट रोग। सबसे पहले हम इसके इम्पोर्टेंट फीचर्स के बारे में बात करेंगे। अगर मैं इसके कुछ नॉर्मल फीचर्स या सामान्य जानकारी के बारे में बात करूं तो विश्व के सभी भागों में, पूरे वर्ल्ड के अंदर ये रोग पाया जाता है और भारत के अंदर, उत्तरी पूर्वी भागों के अंदर ये सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है या सर्वाधिक मात्रा में हानि पहुंचाता है, जैसे पंजाब, बिहार। नेक्स्ट है, वर्ष 1972 और 73 में यह रोग एक महामारी के रूप में प्रकट हुआ तथा इससे भारतवर्ष में गेहूं के उत्पादन में लगभग 1.5 मिलियन टन की हानि हुई। 1985 एंड 86 में पश्चिमी उत्तर प्रदेश में यह रोग महामारी के रूप में प्रकट हुआ तथा इसके तहत वहां पर भी बहुत ज़्यादा गेहूं के उत्पादन में हानि हुई। नेक्स्ट है, इस रोग को अन्य कई नामों से जाना जाता है, जैसे नारंगी, गेरुआ, रोली, गेरुई, ये इसके अन्य नाम हैं। अलग अलग स्थानों पर इसे इन नामों के माध्यम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट हम इसके लक्षण पढ़ेंगे। अगर मैं गेहूं का भूरा या पर्ण किट रोग के लक्षणों के बारे में बात करूं तो मोस्टली ये लीव्स के ऊपर होते हैं। गेहूं की जो लीफ होती है उसकी ऊपरी सतह पर सबसे पहले हमें स्पॉट दिखाई देंगे, जिन्हें हम यूरेडिनियम स्पॉट कहते हैं। ये गोलाकार, चमकीले एवं नारंगी रंग के स्पॉट होते हैं तथा प्रारंभ में ऊपरी सतह पर होते हैं और कुछ समय पश्चात ये निचली सतह पर भी हमें दिखाई देते हैं। बाद में पकने पर ये नारंगी भूरे रंग के स्पॉट फट जाते हैं तथा इनसे यूरिडो बीजाणु बाहर निकल जाते हैं तथा वातावरण के अंदर ये फैल जाते हैं। इसके पश्चात अगर हम इसके लक्षणों की बात करें तो इस रोग के कारण जो पत्ती है वो पीली पड़ जाती है, जिससे उसके अंदर क्लोरोफिल की या क्लोरोप्लास्ट की कमी हो जाएगी और प्रकाश संश्लेषण की जो क्रिया है वो धीमी हो जाएगी, जिससे पौधे का जो डेवलपमेंट है वो थोड़ा अवरुद्ध हो जाएगा। पौधा छोटा रह सकता है, बौना रह सकता है और जो गेहूं के दाने हैं वो कम्प्लीटली पकेंगे नहीं, पकने से पहले वो सिकुड़ जाएंगे, जिससे बाली है वो छोटी हो जाएगी और दाने सिकुड़ जाएंगे। इसमें इसके बाद टीलियो बीजाणु भी बनते हैं जो वातावरण में आपको दिखाई देते हैं। अगर मैं इसके रोगजनक की बात करूं तो इसका जो रोगजनक होता है वो होता है पक्सिनिया रिकोनिडिटा। पक्सिनिया रिकोनिडिटा, इसको हम अंडरलाइन करेंगे। ये पहले भी हम कई बार 11th क्लास के अंदर ये आपको बताता आया हूं मैं कि जो भी बॉटेनिकल नेम यानी साइंटिफिक नेम रिलेटेड टू द प्लांट्स एंड एनिमल्स कोई भी हो, उसे टू वर्ड्स के अंदर लिखते हैं और दोनों वर्ड्स को अलग अलग अंडरलाइन करते हैं, बिकॉज साइंटिफिक नेम रिटन इन द लैटिन लैंग्वेज, लैटिन लैंग्वेज के अंदर इसको हम लिखते हैं और लैटिन लैंग्वेज हमको आती नहीं है, इसलिए इसको लैटिनीकृत करने के लिए, लैटिनाइजेशन इसका करने के लिए इसको अंडरलाइन किया जाता है। नेक्स्ट पढ़ेंगे हम इसका प्रबंधन, और प्रबंधन के अंदर वही तीन प्रबंधन हम पढ़ते हैं। पहला है शस्य प्रबंधन। शस्य प्रबंधन इसका गेहूं के तना किट रोग के समान होता है, जो आपको पहले क्लास के अंदर बता दिया गया है कि जो गेहूं है उसमें लगातार आप सिंचाई करते रहें, जितनी उतनी सिंचाई की जरूरत है सिंचाई की उतनी मात्रा में उसकी सिंचाई करें, ग्रीष्मकालीन गहरी जुताई करें, रोगी अगर पौधे हैं तो उनको उखाड़ करके फेंक दें। तो इस तरह के जो लक्ष्य प्रबंधन हैं वो इसके अंदर भी सेम हैं। जैविक प्रबंधन की बात करेंगे तो इसके अंदर हम रोग प्रतिरोधी किस्मों
को ग्रो करेंगे। बहुत सारी रोग प्रतिरोधी किस्में आपको दी गई हैं, कुछ इंपॉर्टेंट किस्में जैसे HD 2830, 2834, 2865, इनको हम उगाएं जिससे रोग के नियंत्रण में हमें काफ़ी मदद मिलती है। और लास्ट है वो है नंबर थर्ड, रासायनिक प्रबंधन। रासायनिक प्रबंधन के अंदर हम कुछ केमिकल्स का यूज करते हैं, पहले बता चुका हूँ मैं। इसके लिए भी हम ट्राई एडीमेफोन या फिर जिनेब प्रोपेकोनोजॉल का 15 दिन के अंतराल पर 2 बार छिड़काव कर सकते हैं, जिससे काफ़ी हद तक हम रोग को नियंत्रित कर सकते हैं, रोग का नियंत्रण कर सकते हैं। तो इस तरह से मैंने एक कंप्लीट रोग, मोस्टली इम्पोर्टेंट करेक्टर्स, इसकी बेसिक नॉलेज, इसका पैथोजन या रोगजनक, इसके सिम्टम्स और इसका मैनेजमेंट, इन सब को फोकस किया है। और बिल्कुल शॉर्ट एंड स्वीट लैंग्वेज के अंदर मैंने इसको आपके लिए डिस्क्राइब किया है। ये एक डेमो क्लास की तरह मैंने शो किया है कि स्टूडेंट्स कन्फ्यूज होते हैं कि सर हम इतना बड़ा कैसे याद करेंगे। अब आप मुझे बताएं कि क्या आपको ये याद नहीं हुआ, गेहूं का भूरा या पर्णकीट रोग पत्ती से संबंधित है, इसलिए पर्णकीट रोग विश्व के सभी भागों में, भारत के उत्तरी पूर्वी, दोबारा से रिवाइज कराता हूं मैं, विश्व के सभी भागों में, भारत के उत्तरी पूर्वी भागों में जैसे पंजाब बिहार के अंदर मोस्टली 1972-73 में महामारी 1.5 मिलियन टन की हानि हो गई, 1985 एंड 86 में पश्चिमी उत्तर प्रदेश में महामारी के रूप में प्रकट, नारंगी गेरुआ रौली गेरुई नाम से जाना जाता है। जो लक्षण हैं करैक्टर हैं वो यूरिडिनियम स्पॉट के रूप में पत्ती की पहले ऊपरी सतह पर बाद में निचली सतह पर दिखाई देते हैं, पकने पर फट जाते हैं तथा यूरिडो बीजाणु वातावरण में फैल जाते हैं। नेक्स्ट आपको बताया था मैंने, पकने पर नारंगी भूरे रंग के यूरिडो बीजाणु वातावरण में फैल जाते हैं, पत्ती पीली पड़ जाती है, क्लोरोप्लास्ट की कमी हो जाती है, प्रकाश संश्लेषण की दर है वो धीमी हो जाती है, जिसके कारण जो पौधा है वो छोटा रह जाता है, जो फल हैं पत्ती के अंदर वो बीज हैं सिकुड़ जाते हैं और जो उत्पादन है वो काफ़ी कम हो जाता है। रोगजनक पक्सिनिया रिकोनिडेटा, बार बार पढ़ेंगे पक्सिनिया रिकोनिडेटा, पहले पढ़ा था आपने पक्सिनिया ग्रेमिनिस्टिटिसाई, ये अलग अलग हैं। तो पक्सिनिया रिकोनिडेटा गेहूं से संबंधित है, कवक है। प्रबंधन के अंदर सस्य प्रबंधन गेहूं के तना कीट की तरह सेम है, आपको पढ़ने हैं जैविक प्रबंधन में लगभग सेम वेराइटीज़ हैं HD 2830, 2834, 2865। और लास्ट रासायनिक प्रबंधन, इसके लिए हम ट्राई एडीमेफोन और जिनेब प्रोपेकोनोजॉल 15 दिन के अंतराल पर दो बार छिड़काव करके इस रोग के प्रभाव को कम कर सकते हैं। तो इस तरह से डियर स्टूडेंट्स, आपको एक एक रोग को शॉर्ट नोट्स के रूप में अपनी फेयर कॉपी के अंदर है, जो भी आपकी नोटबुक है उसके अंदर आपको प्रिपेयर करना है, उसके शॉर्ट नोट्स बनाने हैं और उसकी रीडिंग करनी है। सबसे अच्छा तरीका होता है, शायद प्रीवियस वीडियो के अंदर भी मैंने आपको बताया था, एक बार फिर दोबारा से रिपीट कर देता हूँ और आगे भी एक दो बार इस चीज़ को मैं रिपीट करता रहूँगा। अगर हमें किसी भी रोग के बारे में अच्छे से स्टडी करनी है, अच्छे से उसको एक्सप्लेन करना है, तो हमें प्लांट्स को ध्यान में रखना पड़ेगा। यानी अगर मैं गेहूं का भूरा या पर्णकीट रोग पड़ रहा हूं, तो मुझे गेहूं के प्लांट्स को याद रखना पड़ेगा। जैसे अभी आप कह रहे हैं सर कैसे याद कर सकते हैं, देखो मैंने एक बार रिपीट किया है, शायद आपको याद हो गया होगा पूरे टू द पॉइंट्स। पहला है पूरे विश्व के अंदर जितने भी गेहूं उत्पादन करते हैं उन सभी क्षेत्रों में पाया जाता है। अगर हम भारत की बात करें तो उत्तरी और पूर्वी भारत में सर्वाधिक होता है, 1973 में भारत में महामारी के रूप में प्रकट हुआ और 1985-86 के अंदर उत्तर प्रदेश, पश्चिमी उत्तर प्रदेश के अंदर महामारी के रूप में प्रकट हुआ। और ये इसके अन्य नाम नारंगी गेरुआ रौली गेरुई, इसके करैक्टर्स और इसका रोगजनक और इसके प्रबंधन। तो मैं स्टूडेंट से यही कहना चाहूँगा कि इस तरह से हम सारे जो डिजीज़ हैं आपके लगभग 1920 के समथिंग रोग हैं, खरीफ की फसलों से संबंधित, फलों से संबंधित, सब्जियों से संबंधित, रबी की फसलों से संबंधित, उनको हम एक्सप्लेन करेंगे। हर रोग के वीडियो बना करके आपको सेंड किए जाएंगे। अभी मैंने एक डेमो वीडियो आपको सेंड किया है कि किस तरह से आप एक रोग के शॉर्ट नोट्स लिख करके हम किस किस चीज़ को फोकस कर सकते हैं और किस तरह से उसकी जो इम्पोर्टेंट चीज़ हैं उनको हम लिख सकते हैं और लर्न कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।